यहाँ बात दिल्ली की सबसे डराने वाली खबर की। राजधानी की सड़कों पर दरिंदे घूमते हैं। बीती रात तीन लड़कों ने लिफ्ट के बहाने एक लड़की और उसके दोस्त को कार में जगह दी और उसके बाद वो हैवानियत पर उतर आए। दिल्ली में लिफ्ट देकर लड़की को किडनैप करने की कोशिश। लड़की के दोस्त को चलती कार से फेंका। नाकाम हुए तीन दरिंदों के खौफनाक मंसूबे। दिल्ली की सड़कों पर घूमने वाले दरिंदे राजधानी को एक बार फिर से दहलाने वाले थे। ये दिल्ली के दामन पर एक और खौफनाक और बदनुमा दाग लगाने वाले थे। एक लड़की को कार में लिफ्ट देने वाले ये तीनों युवक उसके साथ हैवानियत करने वाले थे। शुक्रवार शाम तकरीबन 6:30 बजे के आसपास राजधानी दिल्ली से एक बार फिर 19 साल की एक युवती को अगवा करने की कोशिश की गई। मेरे पीछे ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं जिसका नंबर है DL9CAA0926, ये वही गाड़ी है जिसमें तीन लोग सवार थे। इन तीनों ने ही एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की। शुक्रवार की शाम 19 साल की ये लड़की अपने एक दोस्त के साथ बुराड़ी बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। दोनों को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की तरफ जाना था, मगर जब काफी देर बाद भी कोई बस नहीं मिली तो उन्होंने आजादपुर की तरफ से आ रही सेंट्रो कार से लिफ्ट मांगी। कार में सवार तीनों युवकों ने लड़की और उसके युवक दोस्त को कार में बैठा लिया, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद कार में पहले से बैठे तीनों युवक हैवान बन गए। तीनों ही कार सवार लोगों ने शराब पी हुई थी और लगातार वो गाड़ी में भी शराब पी रहे थे। आप देख सकते हैं अंदर शराब की बोतलें पड़ी हुई है। पुलिस के मुताबिक कुछ दूर आगे जाने के बाद जो चंदगीराम अखाड़ा है, सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, वहां पर जो तीनों कार सवार युवक थे उन्होंने जो युवक था उसकी बुरी तरीके से पिटाई की और चंदगीराम अखाड़े के पास उसे कार से धक्का देके गिरा दिया। युवक को चलती कार से फेंकने के बाद ये तीनों लड़की को अगवा कर फरार हो गए, मगर किस्मत अच्छी थी कि जिस जगह पर युवक को कार से फेंका गया वहां पास में ही एक PCR वैन खड़ी थी। युवक ने फौरन पुलिस कर्मियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद कार का पीछा करते हुए पुलिस ने उसे शहादरा इलाके में पकड़ लिया। जो लड़का है वो तुरंत PCR के पास दौड़कर गया, पूरी बात जो PCR कर्मियों को बताई, जिसके बाद PCR कर्मी तुरंत हरकत में आए और शहादरा फ्लाईओवर के पास जाके इस गाड़ी को रुकवाया और जो युवती थी उसे सकुशल जो है इस गाड़ी से बाहर निकाला और तीनों ही लड़कों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लड़की और तीनों आरोपियों को लेकर सिविल लाइन्स थाने पहुंची, फिर लड़की के पिता को थाने बुलाकर लड़की को उनके हवाले कर दिया गया। लड़की इतनी डरी हुई थी कि वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ था? आप कहाँ से बैठे थे उनके साथ? बुराड़ी बाईपास। फिर उसके पास सेंट्रो कार में क्या हुआ था? ये लोग क्या कर रहे थे आपके साथ में? नहीं, कुछ नहीं कर रहे थे। ऐसा अपहरण करके तीन आदमी जो है ले जा रहा था। अच्छा, ये कौन लड़का था जिस लड़की के साथ में? ये मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, कभी आपके बच्चे ने आपको बताया नहीं? नहीं। फिलहाल जिस तरीके से सरेआम एक बार फिर एक युवती को अगवा करने की कोशिश की गई, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि राजधानी दिल्ली में जो अपराधियों के हौसले खासे बुलंद हैं। कैमरामैन दिलीप अवस्थी के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और 2012 के